भगवान शिव को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है। रुद्राक्ष भोले भंडारी का मुख्य आभूषण है। तभी मान्यता है कि रुद्राक्ष धारण करने से भक्तों को भगवान शिव की अपार कृपा प्राप्त होती है। रुद्राक्ष का महत्व केवल धार्मिक ही नहीं है, बल्कि इसे धारण करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलते हैं। रुद्राक्ष बहुत पवित्र और शक्तिशाली माने जाते हैं, इसलिए इसे सच्चे मन से कुछ खास नियमों के साथ विधि विधान से ही धारण करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। धर्म के जानकारों के मुताबिक वैसे तो रुद्राक्ष को सोमवार, पूर्णिमा या अमावस्या के दिन पहनना अच्छा माना जाता है, लेकिन सावन के महीने में रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस साल सावन के महीने की शुरुआत 22 जुलाई से हो चुकी है। रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सावन का महीना सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए यदि आप रुद्राक्ष पहनने की सोच रहे हैं तो पूर्ण लाभ पाने के लिए इस महीने में ही रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष को पहनने से पहले उसकी शुद्धि और प्राण प्रतिष्ठा करना बहुत जरूरी होता है। इसे पहनने से पहले कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सबसे पहले रुद्राक्ष का शुद्धिकरण करना आवश्यक होता है। इसके लिए एक कटोरी में एक चम्मच दही, शहद, गंगाजल, तुलसी के पत्ते और घी लें। अब इस कटोरी में 10 मिनट के लिए रुद्राक्ष को रख दें। ऐसा करने से रुद्राक्ष सक्रिय और शुद्ध होता है। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद रुद्राक्ष को इस मिश्रण से निकालकर गंगाजल से धो लें। इसके बाद रुद्राक्ष की पूजा भगवान शिव के मंत्रों से करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करें। ऐसा करने से आपका रुद्राक्ष शुद्ध, सक्रिय और प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है और ये पहनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अब इस रुद्राक्ष को सफेद या लाल धागे में पिरोकर गले में या हाथ में धारण करें। रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठा करते समय कुछ बातों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें। जैसे रुद्राक्ष धारण करते समय शिव जी के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। रुद्राक्ष बेहद पवित्र होता है, इसलिए भूलकर भी इसे अशुद्ध हाथों से न छुएं। रुद्राक्ष को हमेशा विषम संख्या में ही धारण करना चाहिए। कभी भी 27 दानों से कम की रुद्राक्ष की माला नहीं बनानी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे शिव दोष लगता है। मांसाहार का सेवन करने वाले लोगों को भी रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए। और अब जान लेते हैं रुद्राक्ष पहनने के फायदे क्या हैं। तो रुद्राक्ष पहनने से मन शांत रहता है और एकाग्रता बढ़ती है। रुद्राक्ष पहनने से नकारात्मकता दूर होती है, शरीर, मन और आत्मा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, हानिकारक ग्रहों के प्रभाव दूर होते हैं। धर्म के जानकारों का मानना है कि रुद्राक्ष पहनने से व्यक्ति के जीवन की सभी परेशानियां दूर होती हैं। धर्म ग्रंथों में रुद्राक्ष को साक्षात शिव का स्वरूप कहा गया है। रुद्राक्ष की उत्पत्ति के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव के आंसुओं की बूंद गिरने से पृथ्वी पर रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ था। इसलिए इसके दर्शन, स्पर्श तथा जप से सारे दुख और कष्ट खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज नेशन स्तुति। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।